दोस्तों आज के वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी चैप्टर 3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हमने इसका एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली उसे वहाँ से वॉच कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा 26वां क्वेश्चन है, कोने को वर्गाकार बनाने के लिए आप किस प्रकार की छेनी का चुनाव करेंगे। तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है क्रॉस कट छेनी, दूसरा है हाफ राउंड छेनी, तीसरा है डायमंड पॉइंट छेनी और चौथा है दोस्तों वेब छेनी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, डायमंड पॉइंट छेनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों हमें एक्स द्वारा अंकित भाग का नाम बताना है कि इस भाग का नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है फ्रेम, दूसरा है हैंडल, तीसरा है दोस्तों एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर और चौथा ऑप्शन है दोस्तों फिक्स्ड ब्लेड होल्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रेम, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसे हम फ्रेम कहते हैं और ये जो है दोस्तों इसे हम ब्लेड कहते हैं और यहां है दोस्तों इसे हम हैंडल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों फ्रेम, आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच खाली स्थान होती है। दोस्तों हमें इन दोनों के बीच की पिच बताना है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, पहला ऑप्शन है 0.5 mm, दूसरा है दोस्तों 0.8 mm और तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1.8 mm और चौथा है 1.0 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सी नंबर का जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, 1.8 mm। दोस्तों ब्लेड के खांचों के बीच की दूरी जो होती है वो 1.8 mm होती है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो सी नंबर का ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पीतल को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की हम किस पिच का उपयोग करेंगे। तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं 1.8 mm, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 1.4 mm, तीसरा है 1 mm और चौथा है 0.8 mm। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारे डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड के साथ हस्त हेक्सा का प्रयोग धातु के विभिन्न सेक्शन को काटने में होता है, स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किस प्रकार के फ्रेम में होता है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, दूसरा ऑप्शन है ट्यूबुलर प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में, तीसरा ऑप्शन है ठोस फ्रेम में और चौथा ऑप्शन है लचीले फ्रेम में। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, समतल प्रकार के एडजस्टेबल फ्रेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड हेक्सा ब्लेड का चुनाव काटी जाने वाली धातु के आकार और कठोरता पर निर्भर करता है, कंड्यूट और दूसरे ट्यूबिंग को काटने के लिए प्रयोग करते हैं। तो आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाते हैं, पहला है 0.8 mm, दूसरा ऑप्शन है 1.0 mm पिच और तीसरा ऑप्शन है 1.5 mm पिच और चौथा ऑप्शन है 1.75 mm पिच। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 0.8 mm। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर के कई उपयोग हैं, ट्राई स्क्वायर के प्रयोग से क्या नहीं हो सकता। तो पहला ऑप्शन है वर्कपीस सतह की समांतर जांच करना, दूसरा ऑप्शन है जॉब सतह के वर्गाकार नुमा की जांच करना, तीसरा ऑप्शन है सतह के चौरस नुमा की जांच करना और चौथा ऑप्शन है वर्कपीस के किनारे 90 डिग्री पर लाइनों पर निशान लगाना। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, वर्कपीस सतह की समांतर जांच करना। तो हमारा ए नंबर का ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए का प्रकार बताइए। तो आपको इसका प्रकार बताना है दोस्तों कि ये किस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं फर्म जोड़, दूसरा ऑप्शन है स्प्रिंग जोड़ और तीसरा है स्क्रू जोड़ और चौथा है निडिल जोड़। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों अगर आपको फ्री हैंड स्केच इनसाइड या आउटसाइड कैलिपर बनाना है तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहां से उन्हें वॉच कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर को नुकीला बनाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जो हमारा डिवाइडर होता है उसे नुकीला करने के लिए हमें किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है ग्राइंडर, दूसरा है दोस्तों ऑयल स्टोन और तीसरा है दोस्तों फाइल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, ऑयल स्टोन का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों जो डिवाइडर होता है उसे नुकीला बनाने के लिए ऑयल स्टोन का उपयोग करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिटिंग प्रक्रम में ट्रेमल का प्रयोग किस प्रकार की सतह के लिए उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों
मृदु सतहों के लिए, दूसरा ऑप्शन है कठोर सतहों के लिए, और तीसरा ऑप्शन है खुरदुरी सतहों के लिए, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। फिटिंग प्रक्रम में ट्रेमल का उपयोग जो होता है वो मृदु सतहों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक बड़े जॉब की मार्किंग के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है डिवाइडर, और तीसरा है दोस्तों स्क्राइबर, और चौथा है ट्रेमल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे डी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। हम बड़ी मार्किंग के लिए ट्रेमल का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो डी नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आकार के वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े आकार के वृत्त बनाने के लिए दोस्तों किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है डिवाइडर, दूसरा ऑप्शन है ऑड लैग कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है ट्रेमल, और चौथा ऑप्शन है इनसाइड कैलिपर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ट्रेमल, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ट्रेमल होगा। दोस्तों इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने बड़े आकार के लिए ट्रेमल पढ़ा है, और यहाँ पर भी बड़े आकार के लिए है दोस्तों, तो यहाँ पर ट्रेमल आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेमल हमारा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार के पश्चात ट्रेमल को साफ किया जाता है। दोस्तों कार करने के बाद ट्रेमल को किससे साफ किया जाता है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है आपको स्प्रिट से, दूसरा ऑप्शन है केरोसिन तेल से, तीसरा ऑप्शन है पानी से, और चौथा ऑप्शन है केमिकल से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, स्प्रिट से। दोस्तों कार करने के पश्चात ट्रेमल को हम स्प्रिट से साफ करते हैं, तो हमारा जो ए नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार का मार्किंग औजार दर्शाया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर मार्किंग औजार बताना है कि ये किस प्रकार का मार्किंग औजार है। तो पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है विंग कंपास, दूसरा है ट्रेमल, और तीसरा है दोस्तों स्क्राइबर, और चौथा है स्क्रैच ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ट्रेमल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ये क्योंकि ये बड़े आकार की मार्किंग कर रहा है तो यहाँ पर हम ट्रेमल का उपयोग करेंगे, तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य में नहीं किया जाता। दोस्तों यहाँ पर नहीं किया जाता की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है किसी जॉब की समतलता को ज्ञात करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है ट्राई स्क्वायर की यथार्थकता को जांचने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए, और चौथा ऑप्शन है जॉब की जटिल मापों को मापने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, एंगल प्लेट को सहारा देने के लिए। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट निम्न में से किस धातु की नहीं बनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन की, दूसरा है ग्लास, तीसरा है दोस्तों ब्रास, और चौथा है ब्रोंज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, ब्रास। दोस्तों जो सरफेस प्लेट होती है वो ब्रास धातु की नहीं बनाई जाती है, और बाकी दोस्तों यहाँ पर कास्ट आयरन, ग्लास और ब्रोंज इन सब की बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों ब्रास की नहीं बनाई जाती है। तो हमारा जो सी नंबर का ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब की मार्किंग सरफेस प्लेट पर रखकर की जाती है, उस समय हम रेफरेंस सरफेस लेते हैं। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है जॉब की शीर्ष सरफेस को, दूसरा ऑप्शन है मार्किंग सरफेस प्लेट को, तीसरा ऑप्शन है जॉब की अक्ष को, और चौथा ऑप्शन है जॉब की ड्राइंग को। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारे बी नंबर का ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, मार्किंग सरफेस प्लेट को। तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य होता है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है हुक के द्वारा उठाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है प्लेट का भार हल्का करने के लिए, और तीसरा ऑप्शन है कार्य को संकेंद्रित करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा डी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। दोस्तों एंगल प्लेट में स्लॉट बनाने का उद्देश्य है क्लैंपिंग बोल्टों को जगह देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को किसकी सहायता से एंगल प्लेट पर क्लैंप किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वाशर, दूसरा है नट बोल्ट, तीसरा ऑप्शन है रिवेट, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है नट बोल्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो नट बोल्ट होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब को पकड़ने और सहयोग के लिए किस एंगल प्लेट का प्रयोग होता है। तो पहला ऑप्शन है सॉलिड एंगल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है एडजस्टेबल एंगल प्लेट, और तीसरा ऑप्शन है रिबर्ड एंगल प्लेट, और चौथा ऑप्शन है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट। तो हमारा बी नंबर का जो ऑप्शन होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ठोस एंगल प्लेट का प्रयोग जॉब को किस दिशा में सहारा देने के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, दूसरा क्षैतिज, तीसरा है जॉब की लंबाई के अनुदिश और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ये, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब को किसी भी कोण पर सहारा देने के लिए प्रयुक्त प्लेट है। तो पहला ऑप्शन है बॉक्स एंगल प्लेट, दूसरा ऑप्शन है स्वीवल बेस एंगल प्लेट और तीसरा ऑप्शन है ठोस एंगल प्लेट और चौथा ऑप्शन है स्लॉटेड टाइप एंगल प्लेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, स्वीवल बेस एंगल प्लेट। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से खालिस्तान के कोण पर बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन मिल जाता है 30 डिग्री, दूसरा है 15 डिग्री, तीसरा है दोस्तों 20 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है 15 डिग्री। दोस्तों स्क्राइबर के सिरों को पत्थर पर घिसकर 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। तो हमारा जो बी नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर किस धातु का बना होता है? तो पहला है उच्च कार्बन स्टील, दूसरा है माइल्ड स्टील, तीसरा है दोस्तों पीतल और चौथा है कास्ट आयरन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा ए नंबर का ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, उच्च कार्बन स्टील का। दोस्तों जो हमारा स्क्राइबर होता है वो उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है स्क्राइबर का पॉइंट खालिस्तान पर होता है। पहला है दोस्तों 20 डिग्री, दूसरा है 5 से 15 डिग्री और तीसरा है 12 से 15 डिग्री और चौथा है 5 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, आप यहां पर देख सकते हैं जो हमारा सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 12 से 15 डिग्री। दोस्तों इससे पहले भी मैंने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया है तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें वहाँ से वॉच कर लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।